ये बीजेपी की सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती। आपके इनकम को डबल करने का उन्होंने कहा, नहीं किया। सात किसानों को एक होम मिनिस्टर के बच्चे ने जीप पीछे लेकर मार दिया, कुछ कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछता नहीं, चुप रख दिए वैसे ही ठंडे बस्ती में। उसी ढंग से आज इन्फ्लेशन इतना बड़ा, उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जिस देश में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, उसमें से 15 लाख नौकरियां गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, बैकवर्ड्स के बच्चों को नौकरियां मिलती है, लेकिन क्यों नहीं भर रहे आप? इसलिए कि अगर 15 लाख नौजवान लोग सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए तो उनको सशक्त, वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे और वो आगे आएंगे पढ़ लिख कर। लेकिन मोदी जी और बीजेपी सरकार नहीं चाहती। 71,000 नौकरियों की एक चिट्ठी देके एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन 30 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर में से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक खाली है, क्यों नहीं कर रहे? तो यही है कि गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और चंद दोस्तों को अमीर बनाकर इस देश में फिर से आजादी से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति लाने की कोशिश वो कर रहे हैं।